नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल स्मार्टफोन लवर्स में। दोस्तों आज हम बात करेंगे गूगल के पिक्सल 4a के बारे में। जी हाँ, गूगल का पिक्सल 4a, आज इसे स्मार्टफोन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, बताना चाहूँगा कि दोस्तों गूगल का पिक्सल 4a अभी तो US में लॉन्च हुआ है। ठीक है, अभी अक्टूबर तक, जहाँ तक है अक्टूबर तक इंडिया में भी आ जाएगा, है ना। अब मैं आपको इसी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, अगर हम लोग बात कर रहे हैं एंड्रॉयड की, इसमें जो एंड्रॉयड वर्जन 10 है ना, विद क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 GHz। दोस्तों अगर कैमरे की बात की जाए तो इसमें जो फ्रंट कैमरा मिलेगा वो आपको मिलेगा 8 MP, और जो इसका बैक कैमरा मिलेगा वो 12.2 MP मिलेगा। जी हाँ, मतलब बैक में केवल एक ही कैमरा है जो कि आपको 12.2 MP का मिलेगा। और दोस्तों अगर बात करें रैम की, तो इसमें आपको है ना 6 GB रैम मिलेगी। जी हाँ, 6 GB। ओके दोस्तों, मतलब 6 GB रैम है, और इसमें जो इंटरनल मेमोरी आपको मिलेगी वो 128 GB। बात की जाए बैटरी कैपेसिटी की, तो इसमें जो बैटरी मिलेगी वो मिलेगी 3140 mAh, और इसकी नॉन रिमूवेबल बैटरी होगी। ठीक है, जो कि निकलेगी नहीं। और बात करें रेजोल्यूशन की, इसका रेजोल्यूशन जो होगा वो 1080 और मतलब 1080x2340 2340 pixel होगा। और बात कर लिया कीमत की, क्योंकि कीमत दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि अभी तक जो कहा जा रहा है कि वो इसकी कीमत अप्रॉक्स 26,000 और 27,000 के बीच में होगी। जी हाँ, 26,000 to 27,000 के बीच में। लेकिन अगर इसमें बात करें कि मतलब जितने जिस हिसाब से फीचर्स दिए जा रहे हैं, लेकिन इंडिया में उस हिसाब से तो कीमत कुछ आई थिंक ज्यादा होगी, मतलब ज्यादा है, क्योंकि यही फीचर्स आपको मतलब इससे भी कम में मिल सकते हैं। जैसा भी देखा जाए अभी तक के अगर गूगल के जो भी स्मार्टफोन आप देख रहे हैं वो तो मतलब काफ़ी हाई रेंज है, लेकिन ये फिर भी थोड़ा सही है, मतलब एक बजट स्मार्टफोन कह सकते हैं हम लोग। आपकी क्या राय है दोस्तों? लेकिन इंडिया में एक बात और होती है कि मतलब अगर यहाँ पर लोग स्मार्टफोन किस हिसाब से पसंद करते हैं, अगर वो कैमरा देखते हैं तो फिर उसमें है ना कितने कैमरे हैं बैक में वो देखते हैं, है ना। अगर जितने ज़्यादा कैमरे उनके हिसाब से वही अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पर हाँ, कैमरा क्वालिटी तो गूगल पिक्सल 4a में अच्छी है ना, बट लेकिन इसमें जो कैमरा है वो एक ही है। लेकिन जो मतलब मिडिल क्लास इंसान होगा, जो मतलब आम आदमी होगा, वो तो केवल वही देखेगा कितने कैमरे दिए हुए, उस हिसाब से वो अच्छा बताएगा। और इंडिया में ये भी देखा जाता है कि मतलब जितने ज़्यादा मेगापिक्सल का कैमरा हो उतनी क्वालिटी अच्छी मानी जाती है, मतलब लोगों का कहना ही है ना। लेकिन ऐसा तो होता नहीं, लेकिन क्वालिटी तो अच्छी है लेकिन ज़्यादा मेगापिक्सल नहीं है इसमें। अब आपकी क्या राय है गूगल पिक्सल 4a के बारे में? ठीक है, कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू।